नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा, बिहार में सिवान जिले से। मेरे चैनल में आप सभी के स्वागत। मेरे चैनल के नाम है शोभा की रसोई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ तो आप सभी को दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा, हमारे चैनल पर बना रहिएगा आप लोग, ताकि आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं बनाऊँगी टमाटर सूप। तो टमाटर सूप बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 टमाटर लिए, अच्छे से इसको उबाल लिए हैं। देखिए कितना सुंदर उबल गया है। तो यहाँ पे हमने लिए हैं अदरक और लहसुन के 2-3 कली ले लिए हैं। अब इसको टमाटर को अच्छे से प्लेट में निकाल लेते हैं, उसको ठंडा करके हम जिस छिलके को हटा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने प्लेट में निकाल लिए छिलके को, इसको हटा लेते हैं। देखिए कितना सुंदर ये हमारा टमाटर उबल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसको छिलके को हटा करके ठंडा करके के मिक्सी जार में हम इसे पीस लेंगे, और टमाटर को पीस लेंगे और अदरक लहसुन को पीस करके हम तैयारी कर लेंगे। तो हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा। हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इसको ठंडा करके हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने टमाटर और लहसुन अदरक को अच्छे से मिक्सी जार में पीस लिए हैं। देखिए कितना बढ़िया हमने पीस लिए हैं। यहाँ पे एक हमने छोटी सी सस्पेन रख लिए हैं सूप बनाने के लिए, तो गर्म हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, सस्पेन हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हमने बटर लिए हैं, आप चाहे तो घी डाल करके बना सकते हैं सूप, तो हम बटर डाले हैं। ठंडा का मौसम है तो देखिए कितना बटर जम गया है, बहुत जम गया है। इसमें हम डाल देते हैं एक चुटकी खड़ा जीरा लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। जीरा हमारा चटक रहा है। तो देखिए दोस्तों, जीरा चटक रहा है तो इसमें हम डाल देते हैं टमाटर के अंदर, और इसको अच्छे से डाल लेते हैं चम्मच से। दोस्तों हम थोड़ी सी इसमें पानी डाल दे रहे हैं, जो हमने मिक्सी जार में पीसे टमाटर उसी में से हमने बैटर रख के आता, उसको धो कर के हम और डाल देते हैं अच्छे से। हमें ज्यादा पानी नहीं इसमें डालना है, जरूरत के हिसाब से हमने पानी डाल दिए हैं। अब इसको धीरे धीरे पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर हमारा ये सूप अच्छे से धीमे धीमे आंच पर पक रहा है। तो यहाँ पे हम लिए हैं लाल मिर्च 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक लिए हैं। तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं चम्मच से। देखिए ये हमारा सूप बहुत टेस्टिंग बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए दोस्तों, हमने सूप में डालने के लिए हमने ले लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सूप में डालने के लिए हमने ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसको यहाँ पे एक हमने छोटे तवा रख लिए हैं, इसको इस पर हम डाल रहे हैं बटर। बटर डाल करके हमने ब्रेड को हमने टोस्ट कर लेंगे और सूप में डालेंगे। तो देखते रहिएगा हमारे वीडियो को आप लोग। इसी तरह हम करके सारे ब्रेड को रोस्ट कर लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे करके हम इसको अच्छे से सेक लेंगे ब्रेड को, और निकालेंगे सभी ब्रेड को ऐसे ही सेक कर हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए दोस्तों, हमने ब्रेड को अच्छे से कुरकुरे बना लिए हैं सेक करके। अब इसको सूप में डाल करके हम लोग टेस्ट बना रहे हैं, हमें डाल करके खाने के लिए बहुत टेस्टिंग हमने बना रहे हैं सूप। तो प्लीज प्लीज अपने घर पर एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह का सूप बनाने के लिए। बहुत आसान तरीके से हमने बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो भी सरल तरीके से बनाते हैं और आप लोग के बताते हैं। तो अपने घर पर एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने खाइएगा, अपने परिवार को सूप पिलाइएगा, और घर आए हुए मेहमानों को आप लोग सूप बना करके इस तरह का टमाटर सूप पिलाइएगा, तो आप लोग का कोई तारीफ की कमी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, देखते रहिएगा हमारे वीडियो को पूरे एंड तक। तो देखिए दोस्तों, हमने सूप को बना लिए। देखिए कितना सुंदर हमने सूप बनाए हैं, एकदम पतला सा बनाए हैं, सॉफ्ट बनाए हैं। तो देखिए हमने अभी इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
देखिए दोस्तों, अभी हमारा सूप बन गया है, रेडी हो गया है, तो इस प्लेट में निकाल लिए हैं। इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता, ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा पत्ता डालना है। अब इसमें हम जो हमने ब्रेड को सेक कर रखे हैं उसको भी डाल देते हैं। देखिए ये हमारा सूप बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर हमने सूप बनाए हैं। तो देखिए हमारा ये सूप बनकर रेडी हो गया है, तो हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। यहाँ पे हमने ब्रेड को जो सेक कर रखे हैं उसको भी निकाल लिए हैं, तो इसमें डाल डाल कर खाइएगा। तो प्लीज़ अपने घर पर एक बार जरूर से ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, तो आप लोग को बार बार मन करेगा ये सूप खाने के लिए। तो आप लोग बार बार बना कर खाएँगे। तो हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।